एक हफ्ता गुजर गया, अशर कब आएगा? अशरफ भाई, आपको पता तो है उसका बेटा कोमा में है। इसलिए मैं चाह रहा था कि एक दफा आ जाए, एक एंट्री मारेगा, चार पैसे उसके बन जाएगी। आजकल वैसे भी उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। होगी तो बात करता हूं उससे। तू उसे मिला था? जी मिला था। अच्छा, इस बार मिलेगा ना तो मेरी तरफ से भी पूछना। जी भाई। आप कैसी तबीयत है मोहसिन की? क्या बताऊं यार, जब से वो कोमे में गए लगता है जिंदगी को फुल स्टॉप लग गया। जब मैं नया नया आया था इस फील्ड में तो सीनियर ने बताया था कि हर लाफ्टर ट्रेजेडी से निकलता है। अब जाके इस बात की समझ आई है। पहले कोई देख के मुस्कुराता था तो खुशी होती थी, लेकिन अब कोई देख के मुस्कुराता है तो लगता है कि मेरी ट्रेजेडी उसका लाफ्टर है। तू परेशान ना हो यार, अल्लाह ने चाहा तो मोहसिन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ अशरफ भाई पूछ रहे थे तेरा। यार अशरफ भाई से कहना कि शायद मैं अब कॉमेडी ना कर सकूं। अबे तू पागल हो गया यार, कॉमेडी नहीं करेगा तो क्या करेगा? और कुछ आता है तुझे? ये भी नहीं आता मुझे। कौन कह रहा है नहीं आता? अबे दुनिया हंसती है तेरी परफॉर्मेंस पर। क्या फायदा यार, जो शख्स अपने बेटे को एक मुस्कुराहट ना दे सके उसकी हरकतों पर सारी दुनिया हंसती रहे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अशु, बहुत फर्क पड़ता है। इन लोगों के मुस्कुराहट से तो अशु है। लोग तुझे इन कहकों की वजह से तो जानते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान अच्छा तब होता है जब उसका काम अच्छा हो, और तेरा काम बहुत अच्छा है। तुझे क्या लगता है कॉमेडी छोड़ देने से मोहसिन ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसके इलाज के लिए तुझे जिन पैसों की जरूरत पड़ेगी वो तुझे इसी काम से मिलेंगे। अपने लिए ना सही, अपने बेटे की खातिर तुझे ये काम करना ही पड़ेगा।